जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हादसा पेश आया आपके साथ, क्या बोलना चाहेंगे? हमारा बच्चा बीमार था तो हमने बच्चे को लाया था डोडा हॉस्पिटल में। पहले उसको इंजेक्शन फेल हुआ, गुंडू में नर्स ने इंजेक्शन लगाया, वो फेल हो गया और वो फोड़े की शक्ल उसने इख्तियार की। जब फोड़े की शक्ल इख्तियार की, हमने उसको क्या कहते हैं डोडा के लिए लाया। डोडा में लाया तो हमने वहाँ सर्जन को दिखाया, डॉक्टर आफ्ताब खान। उसको जब दिखाया हमने तो उन्होंने कहा ये लो जी ये दवाइयाँ वगैरह, लड़के को ट्रीटमेंट वगैरह चलाया उसने किया, कहा इसको 1 तारीख को आप लाना और 1 तारीख को इसका जो है ऑपरेट करेंगे। जब 1 तारीख हमने लिया, 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ना उसने कोई उसकी तरफ ध्यान दिया, ना नजर दी, ना लेन ना देन। उसके बाद जब बाहर निकला और गुस्से में आकर उसने फाइल फेंकी, फाइल लड़के के मुंह पे फेंक दी और कहा कि हमसे ये बक काम नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको बोला था प्राइवेट आने के लिए और आपको बोला था किसी की सिफारिश नहीं, हमने हालांकि सिफारिश हमारे पास किसी की नहीं थी, कुछ नहीं था। और ये हालत है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब एक घोड़े का इलाज नहीं हो सकता है तो वो हॉस्पिटल किस चीज का, वहां सर्जन की क्या जरूरत है फिर? और क्या कहते हैं अपनी क्लिनिकें खोल रखी है, अपने वहां क्या कहते हैं लेबॉरेटरियां अपनी खोल रखी है, ECG खुद करता है, सब कुछ खुद करता है। जो टीम हॉस्पिटल में उनके साथ ऑपरेट करती है वही टीम प्राइवेट वहां होती है और वो वहां से खींच के ले जाती है। जब हमने देखा कि हम यहाँ क्या हिसाब है और उन्होंने जबरदस्ती फायर वगैरह हमारे मुंह पे फेंक दी और बच्चे की तरफ किया नहीं कि 26 दिन का बच्चा था और इस वक्त वो बच्चा जो है 35 दिन का है। फिर हमने SMG लाया, मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया। जब जम्मू में इसका इलाज कराया हमने, यहाँ इलाज ठीक हुआ और बच्चा इस वक्त तकरीबन ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया। हालांकि 26-27 साल से जो डॉक्टर एक ही जगह डोडा में ड्यूटी दे रहा है, डोडा में 26-27 साल से अपनी डॉक्टर की दुकानें हैं, अपनी क्लिनिक हैं, सब कुछ है। बच्चा ये है, ये बच्चे की कंडीशन, ये देखो बच्चे की हालत क्या है, और बच्चा 36 दिन का बच्चा है और इसकी ये हालत कर दी। और क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ने हमें धोखा दिया और क्या कहते हैं हमें कहता रहता कि प्राइवेट, और उसके साथ डॉक्टर शबीर है जो बेहोशी के डॉक्टर है, उन्होंने भी बहाना किया, जबकि यहाँ डॉक्टर ने बेहोश वगैरह कुछ नहीं किया बच्चे को, एक फोड़ा था इसको क्या कहें चीरा दिया, बच्चा ठीक है, इसको तकरीबन कंडीशन बच्चे की ठीक है। लेकिन हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई, तकरीबन 15-16-20 हजार रुपया खर्चा लगवाया और हम बहुत परेशान, 4 बजे तक परेशान किया। उसके बाद गाड़ी एम्बुलेंस भी नहीं दी, हमें प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ी, बड़ी मजबूर होके हम यहाँ आए। और हमने आप मीडिया के थ्रू, आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम जरा गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि जो परेशान करे, जो समाज के लिए नफा नहीं है बल्कि नुकसान है। और हमें परेशानी है ये कि इनके आगे जो है बहुत हाथ आगे हैं इनके, ये पूरी टीम है, पूरी लॉबी है, जबकि इन्होंने पूरा ये चक्कर चलाया, चक्कर में ये चल रहा है इनका, ये सिर्फ पैसे का धंधा चल रहा है, हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं है, सिर्फ क्या है लूटमार चल रही है। और क्या कहते हैं प्राइवेट इन्होंने अपनी दुकानें खो रखी है, सब कुछ खो रखा, हम बहुत परेशान है। लिहाजा हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील करते हैं, डायरेक्टर हेल्थ से ये अपील करते हैं कि इस बात पे जोर दिया जाए और ध्यान दिया जाए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये बच्चे को जो फोड़ा है इसकी क्या वजह? हम भलेस से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमें डोडा में पड़ता है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए थे। ये भी नर्स की वजह से, इंजेक्शन भी नर्स की लापरवाही की वजह से जो है खराब हुआ, कोई हमारे घर में नहीं हुआ, बच्चा जो है बच्चे ने जन्म गुंदो में दिया है। और उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर आफ्ताब साहब ने हमें परेशान किया और ये हमारी बात नहीं सुनते थे, कुछ नहीं सुनते, और फाइल मुंह पे फेंकी बच्चे के, और बच्चा रोता रोते जो है जम्मू में, हम बड़ी मुश्किल से जम्मू पहुंचे, ट्रैफिक जाम, परेशानी, ऊपर वाले का शुक्र है बच्चे की जिंदगी रब ने बख्शी और हम बहुत परेशान हैं। हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब, क्या कारण रहे होंगे जो उसने 10 बजे से 3 बजे तक जो है बच्चे को केयर नहीं किया और आपके जो फाइल जो है वो आपके दे मारी, क्या वजह होगी इसकी? वजह यह है कि वो हमें फोर्स कर रहे थे कि आप बच्चे को प्राइवेट लाओ, हम इसको प्राइवेट इलाज करेंगे, क्योंकि वहां क्लिनिक ज्यादा चलती, प्राइवेट क्लिनिक ज्यादा चलती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केयर नहीं है, हम बहुत परेशान हैं इसलिए। इस वारदात से पहले भी आप उनसे, आपका कोई उठना बैठना, जान पहचान उनके साथ? नहीं, जान पहचान हमारी कोई नहीं है, हमें कोई उठना बैठना नहीं है, ऊपर वाला ना लगाए ऐसे कर, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है इस वक्त, हमने अखबार में भी दिया है, हमने कश्मीर उज़्मा में दिया, हमने उड़ान में दिया, हमने बाकी JK चैनल में भी हमने दिया है, बाकी जगहों में भी हमने दिया, क्योंकि हमारा कोई उठना बैठना, हमारी कोई जातियात नहीं है, लेकिन हम यही कहते हैं इंसाफ मिले, किसी न किसी को आगे आना है, इंसाफ तो मांगना पड़ेगा। आपने ये दवाइयां भी यहाँ पे जो है ये इन्होंने मंगाई ऑपरेशन के लिए रखी हुई है, फिर क्या वजह हुई कि मतलब ऑपरेशन जो है वो नहीं हो पाया इस बच्चे का वहाँ पे?
क्योंकि असल में जो उनका मुद्दा मकसद था, जो उनके दूसरे डॉक्टर उनके साथ हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर हैं शबीर अहमद, वो चाहते थे कि ये बेहोश क्या कहते हैं ये प्राइवेट लाएं, हमारे पास प्राइवेट जाने के लिए इतने सोर्स नहीं था। जी जी, अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यह है कि हमें इंसाफ दिया जाए। वहां जा अगर एक सर्जन एक फोड़े का इलाज नहीं कर सकता तो वहां सर्जन की क्या जरूरत है, वहां सर्जन की क्या जरूरत है अगर फोड़े का इलाज सर्जन नहीं कर सकता है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस हम चाहते हैं कि वहां कोई अच्छा सा सर्जन भेजा जाए जो क्या कहते हैं इंसानों को इंसान समझे, खिदमत करे, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टियां चेक करे, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट यहां से भेजती है हॉस्पिटल के लिए सामान और वो प्राइवेट यूज करते हैं, प्राइवेट इस्तेमाल हो रहा है उसका। और जो सर्जन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए। हमें जहां तक कहेंगे हमें बयान भी मांगेंगे, हम बयान